नेता जय भगवान गोयल ने सदस्यता अभियान चलाया। दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान गोयल ने भाजपा राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को दिलाई सदस्यता। पूर्व सीएम पर जमकर बरसे जय भगवान गोयल ने शारदा मुख्य चौराहे पर कैंप लगाकर भाजपा राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चलाकर, वहीं मौके पर अनेकों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। दिल्ली में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है। वहीं शाहदरा मुख्य चौक पर आने जाने वाले लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। जय भगवान गोयल ने कहा कि लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप लोग भाजपा की सदस्यता का हिस्सा बने और देश को समृद्धशाली बनाएं। सुधाकर सिंह, दिल्ली, समाचार 24। पार्टी ने अपना राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। देश के लाखों करोड़ लोग हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे कामों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे वो लोग जो 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को पार्टी ने आह्वान किया है। ऑनलाइन मेंबरशिप हो रही है और पूरे देख रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है। आज हमने ये अपना कैंप लगाया है और आज के कैंप में खूब भीड़ लग रही है। माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में, बच्चों में सब में बड़ा उत्साह है। सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत हो और हमारा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाए। जो राष्ट्र विरोधी जिहादी शक्तियां देश और विदेश में बैठी हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, मगर आज देश के करोड़ों लोग भारत का विकास चाहते हैं, माताओं बहनों का उद्धार देखना चाहते हैं। इसलिए सभी का भाव है कि मोदी जी के साथ जुड़े, भाजपा के साथ जुड़े। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग पूरे उत्साह के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने आ रहे हैं। अब बात करें तो अब तक कितनी सदस्यता लोग ले चुके हैं? अभी तक लगभग 650 लोगों ने हमारे इस कैंप से सदस्यता ली है। वो सारा कुछ ऑनलाइन है, जो भी सदस्यता होती है वो साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यालय तक पहुंच जाती है। बात करें कैंप की तो कितने दिन तक ये कैंप जारी रहेगा? जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, लगता है कि लगातार हम कई दिन यहाँ बैठेंगे। जब तक लोगों का उत्साह मिलता रहेगा, लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, ये कैंप जारी रहेगा। इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता कैंप लगा करके लोगों को भाजपा से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। दिल्ली को नया सीएम मिलाएगा? देखिए, ये नया सीएम जो बना है, ये तरह काय का सीएम है। सीएम तो खुद बोल रही है कि मैं तो इसलिए सीएम बनी हूँ कि 2025 में फिर से केजरीवाल को सीएम बनाना है। तो जो व्यक्ति सीएम बन के ये बात बोल रहा है, वो तो दिल्ली की जनता का कोई भला करने वाला नहीं है। पिछले 10 साल में जो दिल्ली की जनता को लोगों ने लूटा है, जो भ्रष्टाचार का इनका चेहरा सामने आ गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था केजरीवाल को कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जाओगे, ना किसी फाइल पे साइन करोगे, तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर चीर के रख लिया अपने पास। अब तो उंगली कटा के शहीद होने की बात केजरीवाल कर रहे हैं। मैं बेचारा हूँ, मेरे को अंदर रखा, मेरे को हटा दिया, मैं बंगला भी छोड़ रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी भी छोड़ रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो काहे का बंगला, काहे की सिक्योरिटी, तो छोड़नी पड़ेगी। और ये लोगों को संपत्ति क्रिएट करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए इन्होंने अतिशी को आगे किया है। अतिशी खुद बोल रही है, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि बार बार जो कांच की हांडी है वो चढ़ने वाली नहीं है। दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार दिल्ली की जनता चाह रही है, तभी दिल्ली का विकास होगा। जैसे देश के अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, विकास हो रहा है। क्या बात करें कि जो अभी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं अगले चुनाव के लिए प्रचार का काम कर रहे हैं? स्वाभाविक है, यही एजेंडा है। केजरीवाल
बेचारा बनना चाह रहा है कि मैं बेचारा, मेरे को जेल में डाल दिया, मेरे को हटा दिया, और लोगों की जनता बार बार इसको बेचारा बनने नहीं देगी। और लोगों को पता लग गया है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे मनीष सिसोदिया है, चाहे संजय सिंह है, चाहे सतेंद्र जैन है, सब बारी बारी जेल की यात्रा कर करके आए हैं। इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो जेल में क्यों रहना पड़ा 18 महीने। तो आज सब दिख रहा है, दिल्ली की जनता देख रही है, और दिल्ली की जनता चाहती है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी दिल्ली का भी विकास हो। दिल्ली पिछले 10 साल से बहुत पीछे चली गई है। दिल्ली की जनता विकास चाहती है। दिल्ली की जनता इन भ्रष्टाचारियों से, इन बहरूपियों से छुटकारा चाहती है।